दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि दीपावली पर मोदी सरकार ने जनता को दिया सबसे बड़ा तोहफा, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए हुआ सस्ता। वहीं दीपावली पर अखिलेश यादव ने दिया चाचा शिवपाल यादव को बड़ा गिफ्ट, साथ मिलकर लड़ेंगे यूपी का चुनाव। वहीं दीपावली पर सैनिकों के साथ में होंगे पीएम मोदी, जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ बांटेंगे खुशियां। वहीं अयोध्या में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, 12 लाख दीयों से जगमग हुई राम की नगरी। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा महंगाई चरम पर है, जनता माफ नहीं करेगी। वहीं रार के बाद उमड़ा प्यारा, कांग्रेस से बोली टीएमसी, आपस में क्यों लड़ें, आइए साथ मिलकर बीजेपी को हराएं। वहीं यूपी के मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं अखिलेश यादव, आईएसआई कर रहा उन्हें फंडिंग। वहीं दीपावली पर एक और बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान, अब होली तक गरीबों को फ्री में अनाज देगी सरकार। वहीं सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ला रही नया कानून। वहीं अखिलेश यादव को पाकिस्तान जाने की सलाह पर बढ़की समाजवादी पार्टी, कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं बीजेपी के नेता। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, दीपावली पर मोदी सरकार ने जनता को दिया सबसे बड़ा तोहफा, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए हुआ सस्ता। यहां आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार ने देश की जनता को बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल में एक्साइज शुल्क में भारी कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद अब देश में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की भारी कमी आ जाएगी। नई कीमतें आज सुबह से लागू हो जाएंगी। फिलहाल देश में कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। कटौती के बाद से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही महंगाई का असर भी कम होगा। अगली बड़ी खबर, दीपावली पर अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को दिया बड़ा तोहफा, साथ में मिलकर लड़ेंगे यूपी का चुनाव। ये आपको बता दें कि एक और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सपा से अलग हुए शिवपाल यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। दीपावली से ठीक एक दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव से गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। चाचा शिवपाल से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है कि वो क्षेत्रीय दलों व छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम मऊ में किया था, जहां पर वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो सपा की ये कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए। और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है और उस दल को भी साथ में लेने का काम करेंगे। आपको बता दें कि सैफई में दीपावली के मौके पर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में मुलाकात कर रहे थे। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल यादव का पूरा सम्मान होगा और ज्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। आप लोगों को मैं भरोसा दिला रहा हूं कि प्रसपा के समाजवादी पार्टी में विलय के सवाल पर उन्होंने कहा कि विलय का सवाल नहीं है, चुनाव में हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन किसी न किसी तरीके से होगा, हमारा गठबंधन जरूर होगा, उन्हें भी साथ लिया जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई से सब परेशान हैं, हर चीज में महंगाई है, किसान नौजवान सब परेशान हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को खाद तक नहीं दे पा रही, सपा सरकार के कामों का मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। लखीमपुर की घटना पर उन्होंने कहा कि सरकार के लोग किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि लखीमपुर घटना में मारे गए किसानों की याद में सपा स्मृति दिवस मनाएगी, सपा का हर कार्यकर्ता मृतक किसानों की याद में एक दीपक जलाएगा। उन्होंने देश प्रदेश व जिले के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। अगली बड़ी खबर, दीपावली पर सैनिकों के साथ में होंगे पीएम मोदी, जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ बांटेंगे खुशियां। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में हर बार की तरह सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगे। राजौरी जिले के नौशेरा में सैनिकों के साथ पीएम मोदी दीपावली की खुशियां साझा कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के सैनिकों के साथ दीपावली मनाने के स्थान को अंतिम समय में बदला भी जा सकता है। वहीं वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पिछले साल
साल पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री ने दीपावली के मौके पर राजौरी जिले में तैनात जवानों के बीच दीपावली मनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने के लिए देश की कुछ सीमाओं का दौरा करते रहे हैं। ऐसे मौके पर जवानों से मिलकर पीएम मोदी उनके साथ वक्त बिताकर मिठाइयां बांटते हैं। पीएम मोदी इससे पहले जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अन्य जगहों पर जवानों के बीच में दीपावली मना चुके हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से ऐसे कयास लगा रहे हैं कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ मिठाइयां बांटेंगे। और एक बड़ी खबर, अयोध्या में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, 12 लाख दीयों से जगमग हुई राम की नगरी। ये आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राम पैड़ी के 32 घाटों पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दिए जलाए गए। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम भी अयोध्या पहुंच गई। आपको बता दें कि विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलना होगा। भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। दीपोत्सव के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी थे। आपको बता दें कि दीपोत्सव समारोह में भाग लेने अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमने 9 लाख मिट्टी के दिए जलाए हैं। मैं इस दीपोत्सव कार्यक्रम पर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। आपको बता दें कि फिलहाल अयोध्या में 12 लाख दीयों से जगमग हुई अयोध्या में इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और एक बड़ी खबर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा महंगाई चरम पर है, जनता माफ नहीं करेगी। ये आपको बता दें कि देश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है, वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आमजन परेशान है, चुनाव के समय जनता माफ नहीं करेगी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, हालांकि आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की भारी कटौती कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि दीपावली है, महंगाई चरम पर है, व्यंग की बात नहीं है, काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने के बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। चुनाव के समय भाजपा 1-2 रुपए घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हमला लगातार जारी है। इसके बावजूद मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की भारी कटौती की है। और एक बड़ी खबर, रार के बाद उमड़ा प्यार, कांग्रेस से बोली टीएमसी, आपस में क्यों लड़े, आइए साथ मिलकर बीजेपी को हराएं। ये आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के प्रति ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के तेवर बदले हुए हैं। कांग्रेस और टीएमसी में जारी जुबानी जंग को कम करने की कोशिश में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और कांग्रेस से आगामी गोवा विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ कर काम करने का आग्रह किया है। बता दें कि कुछ समय से दोनों पार्टियां खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस और टीएमसी के बीच में तकरार के बीच में मीडिया को दिए गए एक बयान में टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, हम विपक्ष में समान भागीदार हैं, बात करने के बजाय आइए इस पर हम एक साथ काम करें, हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा एकमात्र लक्ष्य भाजपा को हराना है। आपको बता दें कि टीएमसी लगातार कांग्रेस पर जोरदार हमला कर रही थी और आखिरकार टीएमसी को कांग्रेस पर प्यार आ गया है और टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कांग्रेस से एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और साथ ही कहा है कि आइए एक साथ मिलकर बीजेपी को हराएं। और बड़ी खबर, यूपी के मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं अखिलेश यादव, आईएसआई कर रहा उन्हें फंडिंग। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सपा प्रमुख को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हो
लगता है कि उन्हें पड़ोसी देश की ISI से भी वित्तीय सहायता मिल रही हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस्लामी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गए हैं। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को ISI से संरक्षण और सुझाव मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ने नमाज अदा की थी और रोजा किया था, वो वोट पाने के लिए अपना धर्म भी परिवर्तन कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर, दीपावली पर एक और बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, अब होली तक गरीबों को फ्री में अनाज देगी सरकार। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दीपावली से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने गरीब वर्ग को राहत देते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत अब होली तक अनाज फ्री में देने की घोषणा की है। योजना के तहत पहले मई से लेकर नवम्बर तक प्रदेश में BPL कार्ड धारकों को फ्री में अनाज दिया जा रहा था, लेकिन अभी योजना के तहत आगामी होली तक लोगों को फ्री में अनाज दिया जाएगा। गौरतलब है कि BPL कार्ड धारकों को इस योजना के तहत 35 किलो राशन फ्री दिया जाता है। दीपावली के एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी के साथ कहा कि गरीब परिवारों के उत्थान और परेशानियों में सरकार उनके साथ है। गरीबों को उनका हक और जरूरत का हर सामान पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 15 करोड़ BPL कार्ड धारकों को राज्य में लाभ मिलेगा। इस दौरान कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, दाल, चीनी, तेल के साथ साथ नमक में बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इसी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लोगों को सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि दीपावली मनाने के दौरान 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन करने की भी लोगों से अपील की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना काल में PM नरेंद्र मोदी ने देश को एक अच्छी लीडरशिप दी है, भारत को एक स्वावलंबी और समर्थ देश बनाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि अब गरीबों को होली तक बिल्कुल फ्री में अनाज दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ला रही बड़ा कानून। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली BJP सरकार जल्द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट लाने जा रही है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और वसूली के लिए कानून ला रही है। पथराव करने वालों और सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। ये घटना के साथ के अनुसार गठित किया जाएगा। आपको बता दें कि यदि किसी ने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसकी भरपाई का जिम्मेदार वो खुद होगा। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव को पाकिस्तान जाने की सलाह पर भड़की समाजवादी पार्टी, कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं BJP के नेता। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनेताओं की जुबानी जंग अब दिनों दिन तेज होती जा रही है। UP चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बस्ती से BJP सांसद हरीश द्विवेदी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पाकिस्तान जाने की सलाह दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने हरीश द्विवेदी पर पलटवार करते हुए कहा कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। जबकि दूसरी तरफ हरीश द्विवेदी के बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि BJP की आदत हो गई है, हर रोज किसी ना किसी को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। और ये बड़ी खबर, BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा ऐलान, बोले तलवार के बल पर TMC में शामिल किए जा रहे विपक्षी नेता। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार पर विपक्ष की हत्या के प्रयासों में जुटने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सूबे में विपक्षी दलों के नेताओं पर संगीन जुर्मों के झूठे मामले लादकर उन्हें तलवार के बल पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है। विजयवर्गीय ने इंदौर में संवाददाताओं से
कहा कि मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर इस्लाम भी तलवार के बल पर आया और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में जो लोग जा रहे हैं वे तलवार के बल पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। भाजपा महासचिव से पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी के नेताओं के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में लगातार शामिल होने पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार के बाद इस पार्टी के कई नेताओं ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि इन चुनावों में भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार रहे विजय वर्गीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और भाजपा के नेताओं पर हत्या, डकैती तथा भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में बड़ी तादाद में झूठने मामले लादे जा रहे हैं, जिससे कि वो डर कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएं। और ये बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बोला जोरदार हमला, बताया धोखेबाज और कायर। यहां आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें धोखेबाज, कायर और रोने वाला बच्चा करार दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री को फूका हुआ कारतूस भी बताया। इतना ही नहीं, कैप्टन के कांग्रेस से इस्तीफा देने और अपनी पार्टी लोक पंजाब कांग्रेस के नाम की घोषणा करने के एक दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें निराश भी बताया है। वहीं पंजाब के मंत्री प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी पूर्व मुख्यमंत्री पर उनकी पार्टी को लेकर निशाना साधा और उन पर भाजपा के साथ अच्छे रिश्ते रखने को जिम्मेदार बताया। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के साथ सत्ता को लेकर हुए संघर्ष के बाद कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि अब नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुले तौर पर धोखेबाज करार दिया है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।